अब देख रहे हैं आपका बाजार मार्केट्स के अंदर जरूर सेल ऑफ हायर लेवल से आता हुआ दिखाई पड़ा है। स्पेशली जो सेल ऑफ अभी मार्केट्स में आया है उसमें बैंकिंग मेजर कंट्रीब्यूशन है, लेकिन फिर भी जो जो गिरावट अब गहरा रही है वो छोटे मझोले फार्मा शेयरों के अंदर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। कुछ शेयर को अगर छोड़ दें, कंसिडरिंग कुछ बड़े शेयरों को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे कि ब्रिटानिया में कुछ बाइंग आ रही है, फार्मा की अगर पर्टिकुलरली बात करिए तो इंडिको रेमेडीज, शासन स्ट्राइट, शासन, इनमें कुछ खरीदारी जरूर आते हुए दिखाई पड़ रही है, लेकिन अदरवाइज मेजरली हायर लेवल से जरूर जो कुछ फार्मा स्टॉक्स हैं उनमें बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही है, जैसे कि केडिला हुआ, सिप्ला हुआ, बायोकॉन हुआ, यहाँ पर जरूर कुछ बिकवाली ऊपरी स्तर से आते हुए दिखाई पड़ रही है। बात करते हैं एफएमसीजी स्पेस में गोदरेज कंज्यूमर को लेकर, राजेश क्या रहा रखते हैं आप गोदरेज कंज्यूमर पे? नंबर्स के बाद शेयर फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पे कामकाज कर रहा है, क्या रहा रखते हैं आप? देखिए समित, अगर मैं ओवरऑल एफएमसीजी की बात करूं तो गोदरेज कंज्यूमर तो मैं ट्रैक नहीं करता, लेकिन ऐसी कंपनीज जिनका फोकस मेनली रूरल सेगमेंट में है, जहाँ से मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू वहाँ से उस सेगमेंट से आता है, मैं समझता हूँ वो कंपनी अच्छा करेंगी आगे चल करके। उसमें से बजाज कॉर्प है जहाँ पे हमारा बाय रेटिंग है। जहाँ तक गोदरेज कंज्यूमर की बात है, मैं समझता हूँ कि क्योंकि मैं ट्रैक नहीं करता, गोइंग फॉरवर्ड किस तरह से कॉम्पिटिशन सिनारियो होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। आई थिंक देर लॉट ऑफ न्यू कॉम्पिटिशन कमिंग इन द इंटायर सेगमेंट इन विद कंपनी ऑपरेट्स। तो हेलो जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और दर्शकों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि फार्मा के शेयर्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। सन फार्मा इस वक्त अभी दिन के निचले स्तरों पर कामकाज कर रहा है, 1.84% तक के लेवल्स के नीचे देखने को मिल रहे हैं। और वो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और ल्यूपिन जैसे शेयरों में भी आज काफी वीकनेस देखने को मिल रही है, 1% तक के आसपास की वीकनेस यहां पर दिखा रहे हैं फार्मा शेयर। सिप्ला को देखिए, कैडिला आप देखिए, बायोकॉन, यानी कि फ्रंटलाइन के साथ मिड कैप शेयर्स भी है जो कि काफी इस वक्त वीकनेस दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जो है वो यूएस इलेक्शन ही है साक्षी, कुछ भी पॉलिसीज में चेंज होता है तो फार्मा कंपनीज का मेजर रादर रेवेन्यू जनरेशन जो है वो जापानीज मार्केट से है और यूएस मार्केट जो सेकंड मेजर मार्केट है इनके लिए, तो एक बड़ा सेटबैक हो सकता है फार्मा स्पेस के लिए अगर इफ इन केस कुछ भी यहाँ पे अलग डिसीजन आता है, तो इसलिए शायद थोड़ा कॉशियस हो रहा है बाजार ऊपरी सोर्स, इसलिए फार्मा स्पेस में बिकवाली है। जुबिलेंट लाइफ अभी भी बिकवाली यहाँ पर आई है, 2% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है जुबिलेंट लाइफ के अंदर। इसके अलावा छोटे मझौले फार्मा जैसे कि सुमन लाइफ साइंसेज, यहाँ पर कुछ बिकवाली आ रही है, लेकिन फ्रंट लाइन डॉक्टर रेड्डीज अभी भी तेजी के साथ कामकाज कर रहा है, 1% के आसपास की बढ़त देखी जा रही है। हमारे साथ फार्मा एनालिस्ट भी मौजूद हैं, मिस्टर रणवीर सिंह फार्मा एनालिस्ट हैं बातचीत करने के लिए। रणवीर आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी। रणवीर, एक मेजर कंसर्न माना जा रहा है फार्मा स्पेस में, कंसीडरिंग कोई भी अगर फैसला उलट आता है यूएस इलेक्शन का जो कि इस स्पेस के लिए सही नहीं होता, एक सेटबैक हो सकता है, अगर ऐसा होता है तो किन स्टॉक्स में कॉशियस रहें या किन स्टॉक्स में एटलीस्ट जो कि एपीआई या फिर क्राइम कारोबार में कि उन पर तगड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो उनमें क्या अभी भी इंटैक्ट रहेंगे आप, और उनमें जिनका यूएस एक्सपोजर ज़्यादा है उनमें दूर रहें, आप क्या रणनीति रखेंगे? जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये जो यूएस में जो भी बड़े प्लेयर हैं उनके लिए थोड़ा सा कॉशियस रहना अभी उचित है, क्योंकि इनके जहाँ भी लीडरशिप है इनके प्रोडक्ट में ज्यादा इफेक्ट वहाँ होगा। तो इस सेंस में सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, विनग्लेनमार्क, कैडिला, ये कंपनियां हैं जिनके कुछ सेगमेंट में, कुछ प्रोडक्ट में मार्केट शेयर ज्यादा है और वहाँ कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन इनके ओवरऑल परफॉर्मेंस में एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स अगर देखेंगे तो ये कोई बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन नहीं है, इसलिए बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है जी। लेकिन इस मोमेंट में अच्छा ये है कि जो मिड कैप स्पेस में जो फार्मा कंपनीज है उस पर ज्यादा फोकस किया जाए, और इस समय मैं रिकमेंड करूंगा कि जो क्रैम प्लेयर है जैसे डिवीज लेबोरेटरीज है या डिशमैन है, उससे जो छोटे स्मॉल कैप वाले प्लेयर्स हैं, न्यूलैंड लेबोरेटरीज है या ग्रैन्यूल्स इंडिया है, इस सब पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और जब तक यूएस का ये डिबेट अभी इलेक्शन तक ये थोड़ा इंटेंस रहेगा और इसका इफेक्ट सेंटिमेंटली होता रहेगा, बदलाव होता है तो यूएस एफडीएस के जो नॉर्म्स हैं जो अब तक उतने ज्यादा ऑलरेडी इंडियन कंपनीज के लिए काफी कड़े हैं वो और ज्यादा कड़े हो सकते हैं और कंपनियों के लिए और दिक्कतें हो सकती हैं। आपको ऐसा लगता है कि जिन कंपनियों के ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोसेस है यूएस एफडीए में, जिनके कई सारे एनडीएस फाइल्ड है वहां पे ऑलरेडी, वो और ज्यादा दिक्कतें क्रिएट हो सकती है उनके लिए अगर कोई भी पॉलिसी से बदलाव होता है तो?
नहीं, यूएस एफडीए के साइड से कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं है क्योंकि यूएस एफडीए से रिलेटेड जो भी ऑडिट हो रहे थे अब धीरे धीरे वो क्लियर हो रहे हैं क्योंकि ये सारे के सारे दो साल पुराने हैं या डेढ़ साल पुराने हैं। तो ल्यूपिन अब बिल्कुल यूएस एफडीए इशू से बाहर आ चुका है, सन फार्मा भी लगभग यूएस एफडीए इशू उसका सॉल्व होने के कगार पर है, बाकी जो भी यूएस एफडीए इशूज थे वो बहुत ही एक्टिवली डॉक्टर रेड्डीज भी एक्टिवली काम कर रहे हैं और शायद बहुत जल्दी ही वो भी निकल जाएंगे। तो ये जो अभी यूएस में इशू है ये प्राइसिंग को लेकर है और वो भी कुछ ही ड्रग तक लिमिटेड है, इसका यूएस एफडीए से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है और यूएस एफडीए नॉर्म्स का टाइट होना इंडियन प्लेयर के लिए अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए क्योंकि इनके जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं ये इम्प्रूव होने ही चाहिए थे जो ड्यू थे और धीरे धीरे ये लोग क्वालिटी बहुत तेजी से अपने इम्प्रूव कर रहे हैं और उस समस्या से बाहर भी आ रहे हैं। तो यूएस एफडीए के नॉर्म्स के साइड से कोई बड़ी समस्या नहीं है। राइट मिस्टर सिंह, एक सवाल ये भी होगा जहाँ पर अभी आपने प्राइसिंग की बात करी, साथ ही ये भी कहा कि अगर नॉर्म्स यूएस एफडीए की तरफ से स्ट्रिंजेंट होते हैं तो हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए लिहाज से अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं इस वक्त अगर कांटे की टक्कर देखी जा रही है हिलरी और ट्रंप के बीच में, हिलरी ने अपने एजेंडा में ये भी रखा है कि वो जो दवाओं के प्राइसेस हैं उन पर कैप लगाना चाहेंगी, प्राइसेस कम करना चाहेंगी, ऐसे में इंडियन फार्मा कंपनी जो वहां काम करती हैं उनके मार्जिन्स पर, प्रॉफिटेबिलिटी पर कितना असर आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के नजरिए से, मीडियम टर्म नजरिए से? देखिए यहाँ इशू प्राइसिंग नहीं है, इशू जो डिबेट में है वो है कॉल्यूडिंग विद द कंसर्न पार्टी। तो यहाँ ये है कि आपने जो प्राइस बढ़ाया वो आपने किसी के कन्विनेशन से एंटी कंपटीटिव उनको मान रहे हैं। प्राइस बढ़ाना वहाँ इलीगल नहीं है, वहाँ कोई असंवैधानिक नहीं है, सिर्फ ये है कि आपने गलत तरीके से प्राइस बढ़ाया हो, इस पर ये डिबेट का इशू है। और ये इशू सिर्फ जेनरिक के लिए नहीं, ब्रांडेड जो प्रोडक्ट है वहाँ जो पेटेंटेड प्रोडक्ट है उस पर भी ये इशू चल रहा है। ये इशू दोनों ही पार्टियां जो ट्रंप है और हिलेरी दोनों के साइड से इस इशू पर डिबेट हुए हैं और दोनों ही इस फेवर में है कि कुछ पोर्शन जो मेरे ख्याल से 20% जो मार्केट का है वो मेडिकेयर में है और उस पर ये प्राइस कैप लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ ये इलेक्शन तक ये रहेगा, इस पर प्राइस कैप लगाने के लिए उनको फुल मेजोरिटी में आना पड़ेगा हाउस में और ये अभी बहुत प्रीमैच्योर है इस पर कुछ भी एग्जैक्टली समझ पाना कि क्या होगा, लेकिन जो लॉबिंग है जो बात रिकॉर्ड है उसमें मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से वहाँ प्राइस कैप पॉसिबल। ओके रणवीर, आपसे आखिरी सवाल होगा और संक्षेप में जानना चाहूंगा कि अगर जेनरिक में भी जो प्राइसिंग की बातचीत है इस पर, या अगर एक्चुअल जो जनरेटर या फिर जो बड़ी कंपनियां हैं उनमें भी अगर ऐसी कुछ प्राइसिंग को लेकर इश्यूज आते हैं तो किन कंपनियों में दूर रहें और किन कंपनियों में निवेश करें? आप जैसे मैंने बताया जिनका लीडर सिर्फ सन फार्मा है और उनकी सब्सिडियरी चारों है और कैडिला हेल्थ केयर है, ग्लेनमार्क है जी, ल्यूपिन है, ये चारों कंपनियां हैं जिनकी जिनका यूएस में कुछ सेगमेंट में कुछ प्रोडक्ट में लीडरशिप है और वहां उन्होंने प्राइसिंग में भी कुछ हाइक लिया था तो इस पर ज्यादा इफेक्ट होगा लेकिन इशू सिर्फ इतने तक नहीं है, इशू ये है कि अगर कोई प्रेसिडेंट बन जाता है, कोई ऐसा डिसीजन आ जाता है जिसमें ये होता है कि एक पर्टिकुलर फॉर्मूला इनको अब आगे से इंप्लीमेंट करना है तो फिर इसका दूसरे पर भी इफेक्ट हो सकता है, लेकिन जो उससे छोटे प्लेयर है और विंडो है जिनका कोई किसी सेगमेंट में लीडरशिप नहीं है तो उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। बाकी जो दूसरे प्लेयर है उन लोगों को कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ कुछ प्लेयर जिनके लीडरशिप है उनको उनको इफेक्ट हो सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और अपना हमें नजरिया बताने के लिए। इलेक्शन से ठीक पहले फार्मा स्पेस में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह की पॉलिसीज किस तरह के शेयरों पर इम्पैक्ट करेगी, हमने आपको सब बताया है। लूपिन, सन फार्मा, कैडिला जैसी जो कंपनियां हैं जिनका एक मेजर एक्सपोजर है, डॉक्टर रेड्डी ज़्यादातर इनका जो मेजर एक्सपोजर है इनको आप अवॉइड कर सकते हैं, इनसे आप दूर रह सकते हैं। क्रैम से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं या फिर एपीआई से जुड़ी जो कंपनियां हैं उन पर आप निवेश कर सकते हैं, और अरबिंदो फार्मा में बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा उसमें आप निवेश कर सकते हैं, या फिर डिवीस लैब छोटी कंपनियों में न्यूलैंड लैब जैसी जो कंपनियां हैं उस पर किसी भी तरह की पॉलिसीज का कोई खास असर नहीं होगा। तो दोनों ही परिवेश आपके सामने रख दिए गए हैं, एक जहां से आप दूर रह सकते हैं फार्मा स्पेस में और दूसरा जहां पर आप निवेश कर सकते हैं फार्मा स्पेस में कंसीडरिंग यूएस इलेक्शंस। तो हर तरह के शेयर आपको बताए जा रहे हैं पूरे दिन के दौरान जहां पर आप निवेश करें या फिर आप जहां से दूर रहें, अलग अलग जानकारों पैनल हमारे साथ मौजूद रह रहा है। हमारे साथ रोहन भी है गाजियाबाद से, अगले दर्शक है बातचीत करने के लिए। रोहन आप सवाल पूछ सकते हैं अपना।
सर मेरे पास यूपिन के 150 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 1700। ओके, तो मुझे बताइए मैं क्या करूँ। मैंने रोहन, आपने अभी अभी रणवीर को सुना होगा, आपको थोड़ी चिंता तो बड़ी होगी जरूर। यस सर। चलिए इतना घबराइए मत, कंपनी अदरवाइज बहुत अच्छी है, हो सकता है एक इवेंट का इम्पैक्ट रहे, लेकिन कंपनी का जो कारोबार है वो अभी भी काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। राजेश, ये आपसे होगा सवाल, इन्होंने लूपिन के शेयर ले रखे हैं, 1700 रुपये के भाव पे खरीदारी है, 150 शेयर हैं। अभी फार्म हाउस से हम बातचीत भी कर रहे थे, उनका भी मानना ही थोड़ा कंसर्न लूपिन के लिए ज़रूर रहेगा, पर्टिकुलरली इस इवेंट के आधार पर। लेकिन अब जिनकी भी पोजीशन ऊपरी स्तरों पर, वो क्या करें, इस इवेंट को मद्देनजर रखते हुए तो उन्हें प्रेशर देखने को मिलेगा, लेकिन अदरवाइज इस कंपनी की सिचुएशन कैसी देख रहे हैं आप? देखिए सुमित, जहाँ तक यूएस एफडीए की जो रेगुलेटरी जो डिसीजन है कि प्राइसेस को कम करें या कंट्रोल करें, डेफिनेटली उस पर एक नेगेटिव सेंटिमेंट तो रहेगा ज़्यादातर फार्मा कंपनीज के ऊपर। जहाँ तक लुपिन की बात है, मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा ओवरहैंग था गोवा प्लान को लेकर के, वो मैं समझता हूँ कि वो फिलहाल दूर हो चुका है। और गोवा प्लान बहुत ही क्रिटिकल प्लांट है, करीब 50% ड्रग जो है वहीं से आते हैं जो यूएस मार्केट में जाते हैं। और आउट ऑफ 350 जो ANDA फाइल किया है कंपनी ने, उसमें से करीब 115 ANDAs उसी प्लांट से आते हैं। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहा है लुपिन के लिए, जिसका ऑलरेडी फैक्टर भी हो चुका है प्राइसिंग के अंदर। अभी के लिए मुझे लगता है कि स्टॉक को होल्ड करें। मैं समझता हूँ कि प्राइसेस जो करंट लेवल पे हैं और जो बाइंग प्राइस उनका है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और ये अगर ओवरहैंग थोड़ा दूर हो जाता है तो मैं समझता हूँ प्राइसेस वापस वहाँ पहुँच जाएंगे। तो फिलहाल के लिए मैं समझता हूँ स्टॉक को होल्ड करना चाहिए।